बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इंजीनियर मोहम्मद नबी और आप देख रहे हैं सुबजई सिविल इंजीनियर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है रफ काज एस्टीमेट। मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट के लिए मुख्तलिफ किस्म के तरीकों से तैयार किया जाता है, उनकी तफसील दर्ज ज़ेल है। अब हम ज़ेल में इसकी तफसील लिखेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि हमने क्वांटिटी सर्वे का इंट्रोडक्शन क्लास लिया था, जो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। डेटा फॉर एस्टीमेट क्लास टू में हमने तखमीना के लिए कवायद पर लेक्चर दिया था, और टाइप्स ऑफ एस्टीमेट जो हमने क्लास थ्री में उसकी लेक्चर पर बात की। अब ये है क्लास फोर। अगर आप पिछले क्लासेस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद इसके लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक करें और आप प्रीवियस क्लास देख सकते हैं। अच्छा, तो चलते हैं हम अपने इस टॉपिक की तरफ। रफ काज एस्टीमेट मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट के लिए मुख्तलिफ किस्म के तरीकों से तैयार किया जाता है। इसका मतलब क्या हो गया, कौन से वो मुख्तलिफ तरीके हैं जिससे हम रफ काज एस्टीमेट तैयार करते हैं। नंबर एक बराए इमारत फॉर बिल्डिंग के लिए रफ काज एस्टीमेट किस तरह हम तैयार करते हैं। फॉर बिल्डिंग यानी बिल्डिंग के लिए अलग तरीका होगा, और फॉर रोड एंड हाईवेज रोड और हाईवेज के लिए अलग तरीका होगा, नहरों के लिए अलग तरीका होगा, इरिगेशन चैनल पुल और पनिया ब्रिज एंड कलवर्ट्स के लिए अलग तरीका होगा, वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी पाइपलाइन इसके लिए अलग तरीके से तैयार किया जाएगा, ओवर हेड वाटर टैंक यानी पानी का जो टैंक होता है उसके लिए, और रेलवे लाइन के लिए अलग अलग तरीकों से रफ काज एस्टीमेट तैयार करेंगे। अब चूंकि पहले नंबर पर है इमारत के लिए रफ काज एस्टीमेट इमारत के लिए, तो मैं यहां लिखूंगा बराए इमारत फॉर बिल्डिंग्स। बिल्डिंग के लिए हम अलग तीन तरीकों से हम इसके लिए रफ काज एस्टीमेट तैयार करते हैं। अलग तरीकों से हम इसके लिए रफ काज एस्टीमेट निकाल सकते हैं, वो अलग तरीके कौन कौन से हैं? इसमें है इन तरीकों से हम इमारत के लिए रफ काज एस्टीमेट तैयार करते हैं। पर यूनिट नंबर, फी इकाई नंबर, लेंथ एरिया बेसिस, क्यूबिक रेट एस्टीमेट, सही। अब पर यूनिट नंबर हम इसका वजाहत करेंगे। पर यूनिट नंबर रफ काज एस्टीमेट के इस तरीके के मुताबिक मंसूबे की नौईयत को मद्देनजर रखकर फी इकाई नंबर लागत का अंदाजा लगाया जाता है। पर यूनिट नंबर के हिसाब से हम किस तरह रफ काज एस्टीमेट मालूम करते हैं, इस तरीके के मुताबिक मंसूबे की नौईयत के मुताबिक फी इकाई लागत का अंदाजा लगाया जाता है। फी इकाई रेट मटेरियल मजदूर व दीगर अवामिल को मद्देनजर रखते हुए की जाती है। पर यूनिट नंबर से हम किस तरह रफ काज एस्टीमेट तैयार करेंगे, जैसा कि स्कूल के लिए फी तालिबे इल्म किसी अस्पताल के लिए फी बेड, किसी थिएटर के लिए
फी कुर्सी, यानी स्कूल के लिए हम फी तालिबे इल्म, फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर, मिसाल के तौर पर स्कूल की इमारत तामीर करने के लिए दस हजार रुपये फी तालिबे इल्म और अस्पताल के लिए 50,000 रुपए फी बेड। तो फी इकाई रेट मटेरियल मजदूरी और दीगर आवाम को मद्देनजर रखते हुए की जाती है। तो ये पर यूनिट के हिसाब से ये बहुत कम होते हैं। इस तरीके से अरब का एस्टीमेट निकालना और तैयार करना, ये तरीका बहुत कम इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसके बाद है प्लिंथ एरिया बेसिस और क्यूबिक रेट एस्टीमेट। तो ये दोनों तरीके बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो प्लिंथ एरिया बेसिस, इसको हम कैसे समझेंगे, तो आइए इस पर बात करते हैं। प्लिंथ एरिया बेसिस इमारत का आमतौर पर इस तरीके के मुताबिक रफ का एस्टीमेट दायर किया जाता है। आमतौर पर इस तरीके के मुताबिक रफ का एस्टीमेट तैयार किया जाता है। इस रकबे को प्लिंथ एरिया कहा जाता है। अब प्लिंथ एरिया कौन से जगह को हम कहते हैं, साधारण तौर पर ये एक प्लान है, प्लान 40 by 60, उसका रकबा है 2400 स्क्वायर फीट। अब प्लिंथ एरिया हम कैसे मालूम करेंगे, इसको कहेंगे कि ये प्लिंथ एरिया है। प्लिंथ एरिया अगर हमने यहां कमरे डिजाइन की है ये एक कमरा हो गया और एक कमरा ये हो गया, ये इसका बाथ है और ये इसका, अब ये किचन है। तो मिसाल के तौर पर हमने 10 फीट बरामदा और शेड हमने 4 फीट जोड़ी हुई है, ये हो गया मेन गेट, इसमें हमने स्टेयर्स ऊपर के लिए दी है और ये गेस्ट हाउस है, गेस्ट रूम, गेस्ट रूम, बेडरूम, ये भी बेडरूम और ये किचन। अब इसमें प्लिंथ एरिया हम कैसे देखेंगे, तो ये जो फर्श लेवल है ये लान है, लान, लान प्लिंथ एरिया हम जिस पर ये कमरे बने हुए हैं और वेरंडा, जिस पर कमरे बने हुए हैं और वेरंडा, ये हमारे, ये हमारे क्या हो गया प्लिंथ एरिया। इस जगह को हम इससे खत्म करेंगे, माइनस करेंगे लान। फॉर एग्जाम्पल लान की हो गई 30 by 20, ये है लान का साइज। तो ये 600 इसका एरिया आ गया 600 एरिया हम 2400 से माइनस करेंगे तो इससे आएगा 18,000 स्क्वायर फीट। तो ये 1800 स्क्वायर फीट
क्या है, लेंथ एरिया है। ठीक हो गया। ये मिसाल के मिसाल हमने इस मिसाल से हमने ये वाज़ह कर दिया कि लेंथ एरिया किस जगह को कहते हैं। अब हम इसको मिटाएंगे, हिसाब से हम किस तरह मालूम करेंगे रफ्तार सिस्टम में इसको हम, तो इस लेंथ एरिया को हम ना सिर्फ रेट से जरा देंगे, इस लेंथ एरिया के साथ हम क्या करेंगे, मुनासिब रेट से जरा देंगे और वो रेट इमारत में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल और इमारत के मायार के मुताबिक यानी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक वो रेट हम निकालेंगे और इसके साथ फिर हम इसे जरब देंगे। तो उससे क्या लेंथ एरिया के हिसाब से रफ कास्ट एस्टीमेट तैयार हो जाएगी। वो किस तरह होता, जिस तरह हमारे इर्द गिर्द बिल्डिंग बन रहे होते हैं तो फिर हमें चाहिए कि हम वहां जाएं और उनसे पूछें कि आपके बिल्डिंग पर कितना खर्च आ गया है, फिनिशिंग लेवल तक कंप्लीट करने में कितना खर्च आ गया है। तो वो हम बताएंगे इस पर हमने 30 लाख रुपया लगाए हैं, ये एक सादा मिसाल है, 30 लाख रुपए हमने लगाए हैं। तो आप फिर उससे पूछेंगे कि आपका टोटल कोर एरिया कितना था या लेंथ एरिया आपका कितना था और कितनी स्टोरीज इस रैक पर इस हिसाब से आपने बनाई है। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखकर लेंथ एरिया यानी पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आप इसे रेट निकालेंगे और फिर ये जो हमारे पास 1800 स्क्वायर फीट आ गया है इससे ज़रब देंगे। तो जो इमारत हमारे पड़ोस में बना था या हमारे नज़दीक बना था उस हिसाब से इस बिल्डिंग का हिसाब यानी इस बिल्डिंग का रफ कास्ट एस्टीमेट तैयार हो, उसमें इस तरह आसानी होगी। मिसाल के तौर पर मेरे पड़ोस में एक घर बन रहा है, वो घर है 3000 स्क्वायर फीट का, वो घर है 3000 स्क्वायर फीट का। तो और लेंथ एरिया उसकी है 3000, टोटल एरिया है 3000। लेंथ एरिया हम मालूम करेंगे मिसाल के तौर पर लेंथ एरिया पी ए, उसमें थी 2500, ठीक हो गया। और इस पर खर्च आया था 20 लाख, खर्च कितना आया था 20 लाख। खर्च आया था उस पर, तो हम 2500 के हिसाब से तो हम क्या करेंगे, 20 लाख को हम डिवाइड करेंगे 2500 पर और मल्टीप्लाई करेंगे 1800 लेंथ एरिया पर, तो इससे क्या आ जाएगा, ये आप कैलकुलेट करें इससे कितना रकम आता है, ठीक है। तो वो क्या होगा, उस हिसाब से हम इस बिल्डिंग के लिए जो 1800 स्क्वायर फीट है रफ कास्ट एस्टीमेट इसका निकल आ जाएगा। तो इस तरीके को हम ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। अब लेंथ एरिया बेसिस में हम इमारत के लिए वाटर सप्लाई, गैस की फराहमी और बिजली की फराहमी भी इसमें शामिल करते हैं। और वो कैसे शामिल करते हैं, लेंथ एरिया बेसिस में हम
इमारत के लिए वाटर सप्लाई और बिजली, इसका हम इस पर 8% लागू करते हैं, 8-8%, और इसका 4% हम इस पर लागू करते हैं। ये किस तरह हमें पता चलेगा, इस पर हम एक एग्जाम्पल करेंगे एक्सेल शीट में, तो उसमें बहुत ही अंदाज़ा लग जाएगा और इस पर हम समझेंगे कि किस तरीके से ये रफ का सिस्टम है तैयार होता है। तो इसमें और कौन कौन सी चीज़ें शामिल हो गई, वाटर सप्लाई, बिजली और गैस। इसके अलावा हम इसमें कंटेंजेंसी भी लेंगे, कंटेंजेंसी के अलावा हम इसमें ठेकेदार का प्रॉफिट भी लागू करेंगे इस रेट पर जो 10% होता है। इन सारे चीजों को इकट्ठा करके इससे हम फिर एरिया बेसिस के हिसाब से रफ कास्ट एस्टिमेट तैयार करते हैं। थर्ड नंबर पर था क्यूबिक रेट एस्टिमेट। इसमें इमारत की लेंथ विड्थ हाइट शामिल होता है, यानी इमारत की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को जरा देखकर उससे क्यूबिक फीट मालूम हो जाता है। इमारत की ऊंचाई फर्श से लेकर छत की ऊपर वाली सतह तक होता है, फर्श से लेकर छत की ऊपर वाली सतह तक इसकी हाइट होता ली जाती है। इसमें पैरामीटर वॉल शामिल नहीं होती। ये तरीका भी ज्यादा दुरुस्त है क्योंकि इसमें इमारत की ऊंचाई ली जाती है, तो ये तरीका भी दुरुस्त है। ये पिछले वाला तरीका जो हमने प्लेन एरिया बेसिस वाले तरीका किया था, ये बहुत ज्यादा दुरुस्त है और फिर अगर इससे की जाए तो ये भी ठीक है। प्लेन एरिया ये है क्यूबिक फीट और ये है एरिया, एरिया लेंथ विड्थ के हिसाब से हम एरिया लेते हैं और क्यूबिक रेट हम वॉल्यूम बनाते हैं हम उनके मार्फत से। लेंथ विड्थ हाइट क्यूबिक रेट एस्टिमेट में लेंथ विड्थ हाइट होगी और प्लेन एरिया में सिर्फ लेंथ विड्थ होगा प्लेन एरिया में। तो ये था रफ कास्ट एस्टिमेट इमारत के लिए हम किस तरीके से रफ कास्ट एस्टिमेट तैयार करते हैं। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपका इस पर समझ आई होगी। इसके बाद हमने ये जो इमारत के लिए हमने ये वजाहत की, रोड, हाईवे, इरिगेशन चैनल, पुल और पलिया, इनके लिए भी अलग अलग तरीके हैं, तो उसको हम सिर्फ डिफाइन करेंगे क्योंकि हम सिर्फ यहाँ बिल्डिंग बेसिस जो इमारत बनते हैं उसके लिए हम रफ कास्ट एस्टिमेट और डिटेल एस्टिमेट तैयार करेंगे। फॉर रोड एंड हाईवेज, रोड और हाईवे के लिए हम किलोमीटर फी किलोमीटर या फी मील के हिसाब से रफ कास्ट एस्टिमेट तैयार करते हैं जिसमें रोड की विड्थ शामिल होता है। अब नहरों के लिए रफ कास्ट एस्टिमेट भी दो तरीकों से तैयार की जाती है, एक तो ये कि नहर की किलोमीटर और फी मील के हिसाब से तैयार किया जाता है, या इस नहर से जितना इलाका सैराब होता है उस एरिया के हिसाब से नहर की रफ कास्ट एस्टिमेट मालूम की जाती है। ब्रिज और कलवर्ट, पुल और पलिया, इसको हम मीटर के हिसाब से इसके लिए रफ कास्ट एस्टिमेट तैयार करते हैं और ब्रिज का स्पेन कितना है और उस स्पेन के हिसाब से हम रफ कास्ट एस्टिमेट तैयार करते हैं। इसमें फाउंडेशन की गहराई शामिल होती है। अब इसके बाद है वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी। वाटर सप्लाई और सैनिटरी के लिए भी दो तरीकों से हम रफ कास्ट एस्टिमेट तैयार करते हैं। एक तरीका ये है कि इलाके में फी कस के हिसाब से हम वाटर सप्लाई और सैनिटरी कंप्लेंट के रफ कास्ट एस्टिमेट तैयार करते हैं, या फी एकड़ के हिसाब से हम वाटर सप्लाई और सैनिटरी कंप्लेंट के लिए रफ कास्ट एस्टिमेट तैयार करते हैं।
वाटर टेबल। इसके लिए हम फी लीटर या फी गैलन के हिसाब से वाटर टैंक का रफ का सिस्टम तैयार करते हैं। रेलवे लाइन के लिए हम रेलवे की गेज और स्लीपर को मद्देनजर रखकर फी मील के हिसाब से या फी किलोमीटर के हिसाब से इसके लिए हम रफ का सिस्टम तैयार करते हैं। तो ये हो गया इसका शॉर्ट तारुफ और डिटेल हमने बिल्डिंग के हवाले से की है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप कुछ फीडबैक देना चाहते हैं हमें तो कमेंट करके जरूर बताएं। और मैं अब मैं इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।